एंड दोस्त प्रियंका, सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपका स्पेशल और खास प्रोग्राम वायरल सच। बिल्कुल आप लोग हैरान होंगे, आप लोग जान गए होंगे कि मैं आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर आई हूँ खबर वायरल सच में, कुछ ऐसी जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री और उसके सितारों के साथ जुड़ी होती है। लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है, किस तरीके से खबर को पेश किया गया है, वो आपको कहीं और नहीं बल्कि हमारे प्रोग्राम वायरल सच में देखने के लिए मिलता है। तो आज की शुरुआत करते हैं और ऑलवेज की तरह इस बार हमेशा की तरह जो शुरुआत करने वाले हैं वो भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार खेसारी लाल यादव से लेकर करने वाले। जी हाँ, कहा जा रहा है खेसारी लाल यादव ने सुधीर सिंह, एक ऐसे नेता जिन्होंने हाल ही में खेसारी लाल यादव को धमकी दे डाली थी, उनके बारे में बयान देते हुए फाइनली अपना जो उनकी चुप्पी है वो तोड़ते नजर आए हैं और उन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं, चलिए आप लोग भी जानने के लिए बेताब होंगे। और क्या वाकई में खेसारी लाल यादव ने सुधीर सिंह को लेकर कोई बयान दिया है, और दिया है तो क्या, चलिए आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। वहीं अगली खबर हमारे पास भाई देश के प्रधानमंत्री से साथ जोड़ दिया गया है। भाई खबर वायरल खबर की कोई भाई सीमा नहीं होती, ये बात तो आपको भी पता चल गया होगा। कुछ ऐसे ही खबर अभी आई हुई है, कहा जा रहा है देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी के रास्ते पर चलने लगे हैं खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारे भोजप्रिय दर्शक बहुत चाहते हैं, और इसी वजह से खबर ना भी हो तो भाई उनके जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए मोदी जी से खबर जोड़ दी जाती है। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो जाननी ज़रूरी है, जो कि आपको रिपोर्ट के जरिए पता चलेगा। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, अगली खबर हमारे पास बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार के साथ जुड़ा है। बिल्कुल आपको बता दें कि कहा जा रहा है पवन सिंह, बिल्कुल दोस्तों आपको बता दें भोजपुरी सुल्तान पवन सिंह इस बार अक्षय कुमार के साथ पहली बार बॉलीवुड फिल्म में नजर आने वाले हैं। खबर बहुत पुरानी है लेकिन इस बार इस खबर को लाने की वजह क्या है ये जानना भी ज़रूरी है, तो वो रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। तो वहीं अगली और आखिरी वायरल खबर में है हमारे बॉलीवुड के ही रोमांटिक किंग खान यानी कि हमारे शाहरुख खान। बिल्कुल दोस्तों कहा जा रहा है यश कुमार मिश्रा जो भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्शन हीरो के तौर पर जाने जाते हैं वो मलेशिया पहुंचे और मिले शाहरुख खान से, जो कि किंग खान के नाम से जाने जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं जहां पर एक रोमांटिक हीरो और एक एक्शन हीरो मिले, आखिरकार वहाँ पर माहौल कैसा होगा। खैर, ये खबर कितनी सच है और किस ढंग से इसे पेश किया गया है, चलिए आपको दिखाते हैं और आप सभी लोगों का इंतजार करते हैं खत। देखिए हमारी रिपोर्ट। खेसारी लाल यादव ने सुधीर सिंह के को लेकर दिया है बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की जो स्टार है यानी कि हमारे भोजप्रिया के देसी हीरो खेसारी लाल यादव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। और दरअसल में ये खबर उनके साथ जो जोड़ दी गई है वो खबर है हाल ही में एक नेता जिन्होंने सुधीर सिंह जो कि जिन्होंने खेसारी लाल यादव को धमकी भी दी थी, उन्हें लेकर फाइनली खेसारी लाल यादव अपनी चुप्पी तोड़ते नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं किया हूं और ना ही मैंने कभी किसी का बुरा सोचा है, तो मेरे साथ भी कोई गलत नहीं कर सकता। और रही और भी लोगों की बात, तो वो अपने आप को फेमस होने के लिए, स्टार बनने के लिए इन सब ऐसी काम करते हैं, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से, मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार खेसारी लाल यादव ने इस बात को लेकर चुप्पी तोड़ी भी तो उनका सीधा सा कहना है कि इस तरीके के खबरों पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इन सभी खबरों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री, जी हाँ, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्ते पर चले खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक देखा जाए तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो स्टार हैं यानी खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी, ये दोनों हमेशा से अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, तो कई बार भोजप्रिय फैंस को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं, जिसकी वजह से इन्हें लेकर सोशल मीडिया पर खबरें काफ़ी ज़्यादा वायरल होती रही।
रहती है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो एक खबर इस समय फैल रही है कि मोदी के रास्ते पर चले हैं खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी। दरअसल में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी दोनों ही अपनी तरफ से अपने फैंस को दुखी नहीं देख सकते, अपने भोजपुरी दर्शकों को, अपने भोजपुरी लोगों को दिक्कत में नहीं देख सकते। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यही सोच है कि वो भी अपने देश के किसी भी जनता को दुख में नहीं देख सकते, और इसी वजह से खेसारी लाल यादव ने कई बार अपने भोजपुरी दर्शकों की मदद की है। और इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर ये खबरें काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगी है कि हमारे जो खेसारी लाल यादव है वो देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी के राह पर चल रहे हैं, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जनता की सेवा करते हैं ठीक उसी तरीके से हमारे जो खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी है वो भी अपने भोजपुरी दर्शकों का खूब ख्याल रखती है। आप लोगों ने कई बार ऐसी खबरें सुनी होगी जहां भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार को बॉलीवुड में एंट्री करने की बात कही जाती है, लेकिन आज हम आप लोगों के लिए जो खबर लेकर आए हैं वो खबर पूरी तरीके से सच है। जी हां, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि बॉलीवुड फिल्मों में खिलाड़ी के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले हीरो अक्षय कुमार की फिल्म गोलमाल की शूटिंग पूरी हो चुकी है, और खबर ऐसी आई है कि इस फिल्म में भोजपुरी का सबसे टॉप गाना लॉलीपॉप लागे लू को दोबारा से गाया जाएगा। साथ ही इस गाने को अक्षय कुमार की फिल्म में लिया जाएगा, जिस गाने पर मोनालिसा थिरकते हुए नजर आएंगी। वैसे इस खबर के बाद इस बात पर पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर इस फिल्म में इस गाने को दोबारा कौन गाएगा। जैसा देखा जाए तो पवन सिंह का ये गाना बहुत पहले ही वर्ल्ड में फेमस हो चुका है और हर कोई उनके गाने की चर्चा काफी ज्यादा हुई है। हर कोई और हर जगह पर इस गाने को अलग अलग अंदाज में गाया जा चुका है। शाहरुख खान से मिले यश कुमार मिश्रा मलेशिया में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस बार जो भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम तरह की खबरें वायरल हुई हैं, तमाम तरह की खबरें आई हैं, वो ज़्यादातर हमारे स्टार्स की मलेशिया के साथ जुड़ी है। भाई मलेशिया के साथ उन साथ जुड़े उनके इस खबर को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार यश कुमार मिश्रा जो भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्शन हीरो हैं वो मलेशिया में शाहरुख खान से मिले हैं, लेकिन ये खबर पूरी तरीके से गलत है। जी हाँ, आपको बता दें दरअसल में यश कुमार मिश्रा ने अपने इंस्टा पर एक फ़ोटो शेयर की है, और उस फोटो में यश कुमार मिश्रा जिस पोज में खड़े हैं वो दरअसल में शाहरुख खान की सबसे फेवरेट और सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाला पोज है। जी हाँ, दोनों हाथों को फैलाए हुए और ऐसा लगे बाहों में जल्द ही किसी को लेने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें इसी खबर को लेकर सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होने लगी कि यश कुमार मिश्रा शाहरुख खान से मिले थे, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह खबर गलत है। सिर्फ खबर इतनी है कि मलेशिया में शाहरुख खान के सबसे फेवरेट पोज में यश कुमार मिश्रा ने अपना फोटो शूट करवाया है, और वो फोटो सोशल मीडिया पर जम के वायरल हो रहा है, जिसकी जानकारी आप लोगों ने भी उनके इंस्टा पर जाकर देख सकते हैं, और चैनल के माध्यम से भी हमने आपको देने की पूरी कोशिश की है। तो देखा आपने दोस्तों, ये थी भोजपुरी इंडस्ट्री की वो तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ी जानकारियां जो कि आपके स्टार्स और उनकी फिल्मों के साथ जुड़ा था। हमने कोशिश की कि चलिए आप लोगों को क्यों ना जो खबर सही है उसको सही ढंग से और जो खबर गलत है उसे पूरी तरीके से खारिज करते हुए आप लोगों को पूरी जानकारी पूरी सच्चाई के साथ बता दी जाए। और आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो अभी प्रोग्राम पर कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजप्रिया को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुँच सके और कोई भी खबर कोई भी जानकारी मिस ना हो। फिलहाल आज के खास प्रोग्राम पे यहीं विराम लगाते हुए आप सभी लोगों से लेते हुए इजाज़त, लेकिन कल आप लोगों के सामने नई खबर, नई जानकारी, नए अंदाज के साथ लेकर हाजिर होंगी। मैं प्रियंका राज, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।